2014 जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन, और इससे आसान क्वेश्चन शायद ही कुछ हो। अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हो ना और रेगुलर न्यूज़पेपर, तो नॉर्मल था टैकल करना। क्वेश्चन हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम FDI बोलते हैं, इन द डिफेंस, किस सेक्टर में? डिफेंस सेक्टर में। इज नाउ सेट टू बी लिबरलाइज्ड, कि मतलब उसको आने दिया जाएगा। व्हाट इन्फ्लुएंस दिस इज एक्सपेक्टेड टू हैव ऑन इंडियन डिफेंस एंड टेक इकोनॉमी इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म? कि भैया FDI इसको आने दिया जाएगा, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे क्या असर होने वाला है, ये चीजें पूछ ले। अब देखो, FDI है क्या? बाहर वाला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर पाए। अब पहले क्या होता था, डिफेंस सेक्टर में नहीं कर सकता था। अब 2014 और उस टाइम पे क्या हुआ कि भैया दे दिया कि आप कर सकते हो, कि आप ओनरशिप नहीं होगी, आप एक लिमिट तक 49% तक कर पाओगे, इंडियन कंपनी है या इंडियन ओनरशिप 51%, इस टाइप की चीजें हुई। तो वो चीजें आप उस टाइम के हिसाब से बता सकते हो, या आपको अभी याद करने की जरूरत है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ न्यूज में हो तो याद कर लो, अदरवाइज रहने दो। तो ये क्वेश्चन क्या है फिर से, कि अपना FDI, अभी FDI का मेन पॉइंट समझो इसका, कि FDI है वो डिफेंस सेक्टर पे क्या असर डालने वाली। शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगी, भाई होगी। हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह इम्पोर्ट होगी, हाँ होगी। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे भैया, ये तो होगी शॉर्ट टर्म, और भी बहुत सारी हो सकते हैं, बट इतना ही मान के चलो। लॉन्ग टर्म पे सोच के चलो भैया, क्या होगा कि 10-20 साल में क्या होगा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू या पैसे के दम पे हम अपना बढ़ा लेंगे। तो हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर वाले, अभी फिलहाल सिप्री की रिपोर्ट आई है, सिप्री वाली ने क्या कहा कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स कौन है, इंडिया है जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। तो हम उसको इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर दिया, किसी से इंपोर्ट कर लिया, किसी से एक्सपोर्ट कर दिया, तो लॉन्ग टर्म में ये चीजें हो सकती है। आपके जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है या उसका स्प्रेड है, वो तो है ही है ऑप्शन। तो ये बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें देखना था। अब ये चीज क्या है, देखो ऐसा तो है नहीं कि एकदम आप चाहो तो एकदम 200 वर्ड्स लिखे जाएंगे। तो इसमें आपको वकैब के लिए मतलब तैयारी करनी पड़ती है, वकैब में आपका टाइम लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। कि कैसे वकैब, भैया वकैब है आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन वगैरह पढ़ो, या टॉपर्स की कॉपी पढ़ो, वहाँ से आपको वकैब मिलेगी। वहाँ से आपको पता चलेगा कि भैया एक सेंटेंस की भी चार लाइन कैसे बनानी पड़ती है। कॉलेज एग्जाम में क्या एक लाइन की चार लाइन बनानी आसान है? क्यों? कि भाई वहाँ पे स्टैंडर्ड उस टाइप का, UPSC में स्टैंडर्ड थोड़ा हाई लेवल का, तो हाई लेवल पे आपको थोड़ी एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, एक्यूमेंट चाहिए होगा। तो आप टॉपर्स कॉपी पढ़ो, न्यूज़पेपर हो अपना, मैगजीन वगैरह को रेगुलर रखो। ये सिंपल सा था, इसमें सबसे पहले आप बता सकते हो FDI जो है हमारा, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो, फिर इसका बॉडी पार्ट में बता सकते हो कि शॉर्ट टर्म में क्या असर होगा और लॉन्ग टर्म में असर क्या होगा। कंक्लूजन वगैरह में आपको ऑप्टिमिज्म दिखाना होता है, कि उसमें लिख देना है कि भैया पूरा डिफेंस सेक्टर को भी आगे बढ़ा के जाएगा और ग्रोथ होगी और ये है वो वाली चीज़ लिख देनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।